मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये क्या बोल दिया कि टीनेज रिलेशनशिप के लिए नहीं बनी है। आप लोगों ने तो क्वेश्चनिंग ही स्टार्ट कर दी कि सर प्यार की तो कोई एज ही नहीं होती। देखो प्यार की कोई एज नहीं होती, पर मैच्योरिटी की एक एज होती है। कुछ लोग जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, पर टीनेज इतने काबिल नहीं होती कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, क्योंकि रिलेशनशिप खुद में ही एक प्रॉब्लम होते हैं। स्टार्टिंग में जितने खूबसूरत दिखते हैं उतने होते नहीं, इसलिए जानना जरूरी है कि प्यार की एज क्या है। देखो टीनेज इसलिए प्यार की एज नहीं है क्योंकि इस टाइम टेम्परेरी ख्याल बहुत ज़्यादा आते हैं। छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हम बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं और हमें लगता है कि वही सच्चाई है। जैसे हमें बचपन में लगता था ना कि डॉक्टर बनना बहुत आसान है। देखो मुश्किल तो नहीं है, पर उतना भी आसान नहीं जितना हम बचपन में सोचते थे। हमें टाइम के साथ ही ये चीज़ मालूम पड़ी ना, तो बस वही बात है कि टीनेज इन चीज़ों के लिए परफेक्ट एज नहीं है। अब मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि तुम रिलेशनशिप में मत आओ, पर अपने पार्टनर के साथ कुछ टाइम स्पेंड करो, उसके दोस्त बनकर रहो, बेस्ट फ्रेंड बनकर रहो, और फिर देखो कि वो फीलिंग्स टेम्परेरी थी या परमानेंट। अब कुछ टाइम एक या दो महीने नहीं, कुछ साल गुजार कर देखो, क्योंकि जो तुम्हारा है वो तो कहीं नहीं जाने वाला, और अगर वो चला गया समझ लो कि वो तुम्हारा था ही नहीं। सो आई होप कि तुम समझ गए होंगे कि प्यार की कोई एज नहीं होती, टेम्परेरी फीलिंग्स की एक एज होती है जिसे टीनेज कहते हैं। अगर अब भी कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट में जरूर पूछ लेना। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नई वीडियो में। और हाँ, प्यार तब करना चाहिए जब तुम मैच्योर हो जाओ, ना कि तब जब तुम कुछ महसूस करने लग जाओ।